हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो अभी हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। मिशेलसन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कन्वर्टिव होता है, लेकिन वो किस में था? ई कोलाई बैक्टीरिया में। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक डीएनए के लिए था। लेकिन अभी हम लोग उसी सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया था टाइलर का, जो यूकेरियोटिक डीएनए के लिए था। तो वही एक्सपेरिमेंट, जो सिमिलर एक्सपेरिमेंट है, वही अभी देखते हैं। तो आइए, टाइलर का एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव के लिए, लेकिन ये लिए थे रेडियोएक्टिव थायमिडिन लिए थे। तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये एक रेडियोएक्टिव क्या है? डीएनए है। रेडियोएक्टिव किसे डिनोट कर रहे हैं? आर से। और इसको फर्स्ट जनरेशन के बाद, फर्स्ट जनरेशन किसमें ग्रो कर रहे हैं? कौन सा मीडिया है? नॉर्मल कल्चर मीडिया। नॉर्मल कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। जब नॉर्मल कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं तो सेमी कन्वर्टिव होगा। तो एक आएगा रेडियोएक्टिव का डीएनए का, दो बनेगा ना, तो यहाँ पे दो बना देते हैं। ओके। और दूसरा किसका आएगा? नॉन रेडियोएक्टिव का, तो यहाँ पे बना दे रहे हैं। तो ये किसका है? नॉन रिडक्टिव का। ये भी है नॉन रिडक्टिव का, और ये है रिडक्टिव का, क्योंकि आधा आता है पुराने का और आधा नए का बनता है। ये हो गया। तो इसमें टोटल डीएनए कितना है? पहले जो लिए हैं वन लिए हैं, टोटल डीएनए कितना है इसमें? वन। रिडक्टिव कितना है? वन। नॉन रिडक्टिव कितना है इसमें? शुरुआत में जीरो है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के बाद इसमें कितना बना है टोटल डीएनए? दो बना है। और इसमें, सॉरी, और इसमें रिडक्टिव कितना है? दो है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्टिव है, यहाँ पर रिडक्टिव दोनों शो करेगा ना, तो दो है। नॉन रिडक्टिव कितना है? जीरो है अभी। फिर इसके बाद हम लोग किसमें आएंगे? सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में आएंगे तो कितना बनेगा डीएनए? चार डीएनए बनेगा। टोटल डीएनए कितना होगा? चार डीएनए होगा। उसी की तरह जैसे बनेगा, जैसे मिशेलसन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट में देखे थे, वैसे ही बनेगा। तो रिडक्टिव कितना हो जाएगा? दो। और नॉन रिडक्टिव कितना हो जाएगा? दो। लेकिन वहाँ पे तीन था, हम लोग तीन कंपेरिजन कर रहे थे, लाइट डीएनए, हैवी डीएनए और हाइब्रिड डीएनए। लेकिन इसमें सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? दो, रेडियोएक्टिव और नॉन रेडियोएक्टिव। इसी से थर्ड जनरेशन जाएंगे तो क्या हो, कितना डीएनए बनेगा? एट बनेगा डीएनए। एट डीएनए बनेगा, तो इसमें नॉन रेडियो कितना होगा? नॉन रेडियो होगा छः, और रेडियो कितना होगा? दो। इसी तरह से फोर्थ जनरेशन ऐसे ही करते जाएंगे। तो आइए, हम लोग मिशेलसन और स्टाल एक्सपेरिमेंट का उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ये समझ आए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सलसला स्टाल का एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन कर लेते जल्दी से। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए, तो क्वेश्चन क्या रहेगा? जैसे एक ई कोलाई है, और इसमें हम लोग क्या लिए हैं? इसमें लिए हैं नॉर्मल डीएनए, मतलब लाइट डीएनए लिए हैं। तो लाइट डीएनए बोलेंगे, ई कोलाई का लाइट डीएनए लिए। लाइट डीएनए मतलब N14 और N14, जो कि रेडक्टिव नहीं है, क्योंकि मिशेलसन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट में क्या था? रेडक्टिव नहीं था, लाइट डीएनए था, नाइट्रोजन का, और हैवी डीएनए था। ये सब याद रहना चाहिए आपको। तो कल्चर किस पे कर रहे हैं? कौन सा मीडिया है? मीडियम है हैवी डीएनए। तो हैवी डीएनए यानी कि कौन सा? N15। N15 उस एक्सपेरिमेंट को उल्टा कर दे रहा है। यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, बस आप जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करते जाइएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सेकेंड जनरेशन में कितना होगा? किसका? लाइट डीएनए का। लाइट डीएनए का सेकेंड जनरेशन में कितना होगा? जैसे उसमें पढ़े थे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, उसका सीधा रिवर्स कर दीजिए। तो
देखिए करते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डीएनए ले लिए, ये कैसा है लाइट डीएनए N14, दोनों स्ट्रैंड कितना है N40 स्ट्रैंड है। और कल्चर जो लिए फर्स्ट जनरेशन में वो क्या लिए, जो नाइट्रोजन लिए अमोनियम क्लोराइड का वो हैवी लिए। तो हैवी लिए तब कितना बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा ना डीएनए, यहाँ पर ऐसा कर दिए। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिखाया दूसरा रंग से दिखाते हैं, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, ओके तो ये कितना हो जाएगा N15 और ये N14 और ये N14। तो इसमें क्या हो गया N14, मतलब इसमें हाइब्रिड डीएनए बना ना, क्या बना हाइब्रिड डीएनए बना, कितना 2, और लाइट डीएनए तो 0 हो गया ना। हाइब्रिड डीएनए मतलब N14 और N15 2 बना। फर्स्ट जनरेशन हो गया तो हाइब्रिड डीएनए 2 बना, लेकिन लाइट डीएनए कितना होगा 0 होगा। लाइट डीएनए यानी N14 कितना होगा 0 होगा। लेकिन हमने क्वेश्चन सेकेंड जनरेशन लाइट डीएनए का पूछा है, तो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन देखते हैं। सेकेंड जनरेशन कितना बनेगा डीएनए, टोटल 4 बनेगा, 4 बनेगा। बस यहाँ पर डायग्राम नहीं बना रहे हैं, बस इसका आंसर लिख रहे हैं। टोटल डीएनए कितना बनेगा 4 बनेगा। तो सेमी कंजर्वेटिव से क्या होगा, यहाँ पे N14 और N14 0 बनेगा, क्योंकि सेमी कंजर्व होगा ना। और N15 2 बनेगा, और N15 कितना बनेगा 2 बनेगा। तो लाइट डीएनए कितना हो गया 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 सेकेंड जनरेशन में। ये हो गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। लाइट डीएनए यानी N14 और N14 ये बनेगा, क्योंकि सेमी का मतलब आधा आता है ना सिर्फ, तो यहाँ से N15 2 होगा और N15 2 बनेगा, क्योंकि टोटल डी कितना है 4। तो इसमें और निकालते जाइए आप क्वेश्चन को, थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन ऐसे करते जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो नेक्स्ट क्या है, अब हम डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म की ओर आगे पढ़ेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म में पहले ही पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसको प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, क्योंकि वहाँ से अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, तो आपको पिछले वीडियो में बताया था हमने कि रेप्लिकेशन के लिए 2 स्टेप है सिंपल। पहला स्टेप क्या था, जो डीएनए है क्या होगा, अनवाइंडिंग होगा, क्या होगा अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग मतलब खुलेगा, उसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे 2 स्ट्रैंड में से और अलग होंगे, या इसको बोल देंगे अनजिपिंग। अनजिपिंग मतलब अनजिपिंग, जैसे जिप मतलब बंद होता है, तो अनजिपिंग मतलब खुलना। तो जैसे एक डीएनए है, यहाँ पर डीएनए बना दे रहे हैं, जैसे एक एक डीएनए हो गया, बस समझने की कोशिश कीजिए, एक डीएनए हो गया, फिर इसको क्या करेंगे अनजिप करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर इसको खोलने के लिए अनजिप करेंगे, तो उसमें जो पहले पिछले वीडियो में बताए थे 2 स्टेप, पहला अनवाइंडिंग होगा और दूसरा नए चेन का फॉर्मेशन होगा। तो अनजिप कैसे होगा, किससे होता है, एक एंजाइम होता है हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, हेलिकेज एंजाइम, ये क्या करता है अनवाइंडिंग करने में मदद करता है। तो ये क्या कहीं भी बाइंड हो जाएगा, कहीं भी गया और स्टार्ट हो गया काम नहीं, ये वहाँ बाइंड करेगा जहाँ पर ओडी साइट होगा,
कौन सा साइट होगा? ओरिस साइट। तो ओरिस साइट क्या होता है? ओरिस साइट होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जहाँ रिप्लिकेशन का ओरिस साइट होगा वहाँ ये स्टार्ट होगा, वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। कहाँ बाइंड करेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओरिस साइट है, क्योंकि देखिए अगर प्रोकैरियोटिक डीएनए रहता, प्रोकैरियोटिक डीएनए में, प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में ओरिजिन ऑफ ओरिस साइट एक, सिर्फ एक ही जगह होगा। एक कितना साइट होगा? एक ही। लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए में, यूकैरियोटिक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसमें बहुत सारे साइट होते हैं, मतलब इसमें क्या होते हैं, बहुत जगह ओरिस साइट होते हैं, मेनी, मल्टीपल, मल्टीपल ओरिस साइट। जैसे यहाँ पे एक ओरिस साइट है, वहाँ पे हेलिकेज जाएगा, हेलिकेज का कितना? दो मॉलिक्यूल। एक इधर जाएगा और इस तरह से दोनों तरफ से इस डायरेक्शन में खोलेगा इस धागे को, धागे मतलब स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड को इस तरह दोनों तरफ से खोलेगा, दोनों डायरेक्शन में, इधर से और इधर से खोलेगा। तो जैसे जैसे ही खोलना स्टार्ट किया, जैसे मान लीजिए इसको खोलना इधर से स्टार्ट किया, लेकिन इधर से तो बढ़ रहा है। अब फिर दूसरा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, देखिए ऐसे कर लिए, एक मिनट, डायग्राम में थोड़ा दिक्कत है लेकिन प्लीज़ कॉपरेट। जैसे यहाँ पे बीच में खुल गया, ऐसे कर दिए, यहाँ पे कर दिए, ये हो गया, ऐसे वो खुल गया। लेकिन जब इधर से दोनों खोल रहा है तो ऐसा तो हो सकता है ना कि मान लीजिए बीच में बंद हो गया, तो किरे किराए पे पानी पानी फिर जाएगा। तो उसके लिए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP। ये क्या करता है? यहाँ पे बाइंड होकर इसको फिर से बंद होने नहीं देता है। नहीं तो मान लीजिए इधर से खुल रहा है उधर से बंद हो जाता है, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वो जैसे इधर से खुल रहा है तो बीच में इसको बंद नहीं करने देगा, ये काम करता है। ओके, जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, इसको बीच में से, जैसे इधर से खोल रहा है हेलिकेज एंजाइम और इधर से भी, लेकिन बीच में जोड़ने से रोकेगा स्ट्रैंड को। और एक यहाँ पर छोड़ दिए थे हमने, हेलिकेज एंजाइम को प्रमोट करता है को फैक्टर। जैसे यहाँ पे को फैक्टर एक नाम है मैग्नीशियम, वो प्रमोट करता है, ये भी याद रखिएगा। हेलिकेज एंजाइम को कौन प्रमोट करता है? को फैक्टर मैग्नीशियम। और इसके बाद एक समस्या और आ चुकी है, वो समस्या क्या है? जैसे आपने मान लीजिए कि आप जूट की रस्सी देखें, जूट की रस्सी जैसे कि दो दो धागा को क्वाइल किया हुआ है, क्वाइल किया हुआ है और उसको बीच में से पकड़ के खोल रहा है। तो जब बीच में से पकड़ के, जैसे ये दो दो धागा है, इसको यहाँ से बीच में से पकड़ के इसको खींच रहा है, शुरुआत में आसानी से खुलेगा, लेकिन जो इंड है किनारे पे, ये पूरा क्वाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें टेंशन बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा सुपर क्वाइलिंग, किनारे किनारे से सुपर क्वाइलिंग हो जाएगा, तो ये खुलेगा नहीं। तो उसके लिए आता है कौन सा एंजाइम? टोपो आइसोमेरेज। क्या आता है? टोपो आइसोमेरेज। ये क्या करता है? दो काम करता है। ये काम करता है एक्ट एज इंडो न्यूक्लिएज और काम का क्या करता है? एज वेल एज
एज वेल एज लाइगेज ये काम करता है। इसका मतलब ये एंडो न्यूक्लियस का भी काम करता है और लाइगेज का भी काम करता है। कौन? टोपो आइसोमेरेज। अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, टोपो आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज ये दो काम करता है, एंडो न्यूक्लियस का भी काम करता है और लाइगेज का भी। तो पहले समझते हैं एंडो न्यूक्लियस होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दे रहे हैं यहाँ पे एंडो न्यूक्लियस क्या होता है। जैसे देखिए न्यूक्लिक एसिड को, ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को अगर अंदर से कहीं काट रहा है तो उसको बोलते हैं एंडो न्यूक्लियस, ठीक है। अगर बाहर से काट रहा है तो उसको बोलते हैं, मतलब इंड से अगर काट रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सो न्यूक्लियस। और लाइगेज मतलब जोड़ना है। तो जहाँ पे जैसे यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हुआ है तो क्या करेगा, पहले इसको काटेगा, जब जैसे ही अंदर से काटेगा यहाँ पे तो उसका जो टेंशन है रिलीज हो जाएगा। टेंशन जब रिलीज हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, अब उसको तो जोड़ना भी चाहिए ना, तो फिर वही काम करेगा लाइगेज का। तो ऐसे ये काम हो जाता, अनवाइंडिंग का ये काम हो गया। तो क्या गया था पहले अनवाइंडिंग में कौन कौन से एंजाइम थे? पहले था कि अनवाइंडिंग करने के लिए हेलिकेज एंजाइम था, वो कहीं भी बाइंड नहीं करेगा। कहाँ बाइंड करेगा? ओरी साइड पे। तो ओरी साइड पे वहाँ पे दो मॉलिक्यूल जाएगा, किसका? हेलिकेज एंजाइम का दो मॉलिक्यूल जाएगा। और उसको प्रमोट करने के लिए क्या होता है, कोफैक्टर मैग्नीशियम होता है, ये पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे ही दोनों तरफ से खोलेगा तो बीच में ऐसा ना हो कि इधर से खोल रहे हैं और बीच में क्या हुआ, बंद होने लगा, मतलब दोनों स्ट्रैंड जुड़ने लगे फिर से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते ना, यहाँ जी है यहाँ सी है तो ऐसे फिर जुड़ जाएगा। तो उसको जुड़ने से बचाने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ जुड़ जाता है, किनारे किनारे स्ट्रैंड पे जुड़ जाता है, जिससे क्या होगा, इस तरह से उसको जुड़ने नहीं देगा दोनों स्ट्रैंड को, जो खुला है वो खुला ही रहेगा। उसके बाद क्या था, किनारे पे टेंशन बढ़ जाएगा और सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, तो इसको खोलने में और दिक्कत होगा। जो हेलिकेज एंजाइम है इसका एक्टिविटी और डिक्रीज हो जाएगा, जब किनारे पर आएगा तो इसका एक्टिविटी और डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुपर कॉइलिंग हो गया है। तो उसके लिए क्या एंजाइम लेते हैं, टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, एंडो न्यूक्लियस काम करता है और लाइगेज। तो एंडो न्यूक्लियस क्या करेगा, जो ये जो डीएनए है उसको पहले कट करेगा और फिर उसको टेंशन को रिलीज करेगा, उसके बाद उसको जोड़ देगा, जिससे अच्छे से अनवाइंडिंग दो स्ट्रैंड का हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? तो अनवाइंडिंग के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन होगा, जो हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो अगर आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस तरह का वीडियो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो स्टे ट्यून्ड विथ बायोलॉजी बाय नितीश सर। थैंक यू।